उन्होंने अपने भाई के नज़रिए की भरपूर हिमायत की और हुसूल पाकिस्तान की जद्दोजहद में अपना भरपूर किरदार अदा किया। वो अवामी हकूक और ख्वातीन के हकूक की मुबल्लिग थी। आप एक नौखेज मगर अजीम मुमलिकत के काबिल फकर मेहमान है। एक शानदार और पुरुमीद मुस्तकबिल की तामीर आपके जोश व अमल और हरकत की मंतजर है। कायद आजम के बताए हुए उसूलों को मशले राह बनाकर और उनके नक्शे कदम पर चलकर आगे बढ़ो। मैं समझता हूँ कि फातिमा जिन्ना ने जिस तरह अपने भाई कायद आजम के साथ मिलकर इस खित्ते में पाकिस्तान की बुनियाद रखी वो काबिल तहसीन है और काबिल सताइश है। फिर उन्होंने जिस तरह जमहूरियत और वोट के हक और उन प्रिंसिपल जिनके ऊपर पाकिस्तान बना था उनकी आबियाई के लिए जिस तरह मेहनत की, जद्दोजहद की, लोगों को जगाया और बीइंग अ फीमेल औरतों के हकूक के लिए उसको जला बख्शी, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। वही कोशिशें और काबिशें हैं जो आगे बढ़कर आपको एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर देती हैं और दुनिया के मुख्तलिफ शोबों में शोभा हाई जाप में आपको खवातीन तरक्की करती नजर आती हैं। हमें उस प्रिंसिपल को याद रखना चाहिए जिसके तहत पाकिस्तान बना। हमें उस प्रिंसिपल को याद रखना चाहिए जिसके तहत फातिमा जिन्ना ने जद्दोजहद की। अगर हम बात करें तो अवामी हुकूक और खवातीन के हुकूक की वो मुबल्लिग थी और अल्लाह पाक उनके दर्जे को बुलंद फरमाए। उन्होंने पाकिस्तान बनाकर हमको सौंप दिया और ख़ुद वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। बस यही आप सबसे कहना है कि इसी प्यार और मोहब्बत से पाकिस्तान को हमेशा प्यार कीजिए, अपने दिलों में अपने एहसासात में। मैंने उन्हें खुद देखा है। जब 1964 में मैं एक तालिबे इल्म था तो हमारे पास लाहौर कैंट में वो एक अस्पताल का इफ्तिताह करने के लिए तशरीफ लाई थी तो मैंने उन्हें बहुत करीब के साथ देखा। ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। उसके बाद उन्होंने 1965 में इलेक्शन में हिस्सा लिया और लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुई, लेकिन वो उन्होंने हमेशा ख्वातीन के लिए काम किया और पाकिस्तान की जो ख्वातीन थी उनके लिए वो हमेशा आने वाले वक़्त में वो हमेशा एक इंस्पिरेशन रहेंगी और इसीलिए उन्हें मादरे मिल्लत और खातून पाकिस्तान के नाम से जाना और पहचाना जाता है। अल्लाह ताला उनको जन्नत अल फरदौस में जगह दे और हमारी तारीख उनकी जदोजहद की वजह से सुनहरी रूप से लिखी गई है। हम इंशाअल्लाह ताला उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेंगे।